मुझे बहुत अजीब सा लगा और इतना फील हुआ उस दिन, मैं अंदर से समझिए मैं टूट गया। कल हम खबर पढ़ रहे हैं कि भाई वहां ऐसा हुआ, इतने लाख लोग दबे पड़े हैं, लाशें निकाली जा रही हैं, जिंदा भी निकल रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है, इतने मुल्क मुतासिर हुए। रोड पे डीजे बजाते हुए, नाचते गाते हुए औरतें भी निकली हैं, मर्द भी निकले शादी में। वो देखकर इतनी तकलीफ हुई। चलो भाई, तुम्हारे यहाँ शादी की अगर तारीख तय थी तो कम से कम अपने उन भाइयों की याद में सादगी से कर लेते, लेकिन हमारा थोड़ी मरा है। देखिए सच्ची बात क्या है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ना आपकी हमारे से कोई दुश्मनी है, ना हमने आपसे कुछ लिया है, ना हम आपसे कुछ चाहते हैं। लेकिन एक आलिम दीन होने के नाते, एक दीन की सोच होने के नाते, कुरान फहमी होने के नाते हमारा फ़र्ज है कि हम आपको बताएं, इसलिए कि हम आपकी बेहतरी चाहते हैं साहब। हमारे कोई आप दुश्मन नहीं हैं, आप भी भाई हैं हमारे, हमारे ब्रादर हैं, लेकिन हमारे आपको सही रास्ता बताना, सही गाइड करना, ये हमारा मिल्ली और कौमी फरीजा है। हम यहाँ 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठकर जो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है ताकि हमारी कौम बची रहे यार, अल्लाह के अजाब से बचे, अल्लाह की पकड़ से बचे। आज देखिए ना, उधर भी तबाही हो रही है, जहां सुकून से वहां भी तबाही मची पड़ी है, बेघर किया जा रहा है लोगों को, उजाड़ा जा रहा है लोगों के तिजारतों धंधों को, व्यापारों को उजाड़ा जा रहा है कि नहीं? क्यों यार, कभी सोचा आपने कि ये हमारा नुकसान क्यों हो रहा है? कुदरत भी रूठी है और इंसान भी रूठ गए, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, बल्कि अगर मकान या दुकान टूट रही है तो तमाशा देखने वाले हजारों खड़े हैं। मैं शरीयत की रूह से मेंबर पे बैठ के बता दूं कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई और आप खड़े होकर तमाशा देख के मजे ले, हराम है। या तो उसकी मदद करो या उसके लिए दुआ करो, खड़े होकर तमाशा मत देखो, मजा मत लूटो। अगर तुम किसी का मजा लूटोगे तो तुम्हारा भी मजा लूटा जाएगा, ये जायज है, ये इस्लाम है। अच्छा, और मजे की बात यह कि दुकान, ये मेरी दुकान है, दुकान के आगे लारी खड़ी है, लारी का मैं हक बात बोलूंगा, कड़वी लगे या अच्छी, बाहर खड़ी है, कहां खड़ा है लारी लेके? सड़क पे, वो तुम्हारी जगह नहीं है, भाड़ा तुम ले रहे हो। अबे जब अपनी मिल्कियत नहीं है तो भाड़ा जायज कैसे हो गया? हराम है। दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की मिल्कियत पे भाड़ा खा रहे हो और सीधा ठोक के बोलते हो कि हम मुसलमान हैं। तसव्वुर कीजिए उस आदमी पे क्या गुजर रही होगी जिसका छोटा सी बच्चा मलबे में दबा हुआ है, अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही है, बाहर बाप खड़ा है कुछ नहीं कर पा रहा है। वो एक मंजर भी आपने देखा होगा कि एक बच्ची अपना हाथ बाहर निकाली और बाप उसका हाथ पकड़ के 72 घंटे तक बैठा हुआ है, यहां तक कि बच्ची चीखती चीखती मर गई, लेकिन मरने के बाद भी वो हाथ नहीं छोड़ रहा है। ऐसे दर्दनाक मंजर देखने के बाद भी खुदा याद नहीं आया, ऐसे भयानक मंजर देखने के बाद भी अल्लाह की याद आई नहीं, उसके खौफ से, उसकी कुदरत के आगे हमारे सर झुके नहीं? आखिर क्या बात है यार, मुझे बताएं तो कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की उल्फत पैदा क्यों नहीं होती है? क्यों हमारे दिल अल्लाह के खौफ से लरसते नहीं है? एक टाइम का खाना भी छूटा है अपने उन भाइयों की याद में, उनके दर्द में एक वक्त का खाना भूखे रहे नहीं? अल्लाह के रसूल तो कहते हैं कि मोमिन को एहसास होना चाहिए, क्योंकि सारे मोमिन एक बदन की तरह है, कांटा पैर में चुभता है मगर आंख रोती है, दिमाग मुतासिर होता है,
हाथ वहां पहुंच जाता है, पूरा बदन मुतासिर होता है एक कांटा चुभने पर। इतनी बड़ी आपदा हमारी बिरादरी, हमारी इंसानी बिरादरी पर आई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शादियों में वही नाच गाने जारी हैं, डीजे बजाए जा रहे हैं, हरामकारियां हो रही हैं, लौंडे नाच रहे हैं। वजह क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता। विपता उन पर आई है, हम पर थोड़ी आई है। मुसीबत उन पर आई, हम पर नहीं आई। मुझे बहुत अजीब सा लगा और इतना फील हुआ उस दिन, मैं अंदर से ये समझिए मैं टूट गया। कल हम खबर पढ़ रहे हैं कि भाई वहां ऐसा हुआ, इतने लाख लोग दबे पड़े हैं, लाशें निकाली जा रही हैं, जिंदा भी निकल रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है, इतने मुल्क मुतासिर हुए। रोड पे डीजे बजाते हुए, नाचते गाते हुए औरतें भी निकली हैं, मर्द भी निकले हैं शादी में। वो देखकर इतनी तकलीफ हुई। चलो भाई, तुम्हारे यहाँ शादी की अगर तारीख तय थी तो कम से कम अपने उन भाइयों की याद में सादगी से कर लेते। लेकिन हमारा थोड़ी मरा है, इंतजार कीजिए, हमारा भी मरेगा। इंतजार कीजिए, अपने वालों के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। मैं कोई हुक्म नाफिज नहीं कर, देखिए सच्ची बात क्या है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ना आपकी हमारे से कोई दुश्मनी है, ना हमने आपसे कुछ लिया है, ना हम आपसे कुछ चाहते हैं। लेकिन एक आलिम दीन होने के नाते, एक दीन की सोच होने के नाते, कुरान फहमी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको बताएं, इसलिए कि हम आपकी बेहतरी चाहते हैं साहब। हमारे कोई आप दुश्मन नहीं हैं, आप भी भाई हैं हमारे, हमारे ब्रदर हैं। लेकिन हमारा आपको सही रास्ता बताना, सही गाइड करना, ये हमारा मिल्ली और कौमी फरीजा है। हम यहाँ 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठकर जो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है ताकि हमारी कौम बची रहे यार, अल्लाह के अजाब से बचे, अल्लाह की पकड़ से बचे। आज देखिए ना, उधर भी तबाही हो रही है, जहां सुकून से वहां भी तबाही मची पड़ी है। बेघर किया जा रहा है लोगों को, उजाड़ा जा रहा है लोगों के तिजारतों धंधों को, व्यापारों को उजाड़ा जा रहा है कि नहीं? क्यों यार, कभी सोचा आपने कि ये हमारा नुकसान क्यों हो रहा है? कुदरत भी रूठी है और इंसान भी रूठ गए, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। बल्कि अगर मकान या दुकान टूट रही है तो तमाशा देखने वाले हजारों खड़े हैं। मैं शरीयत की रूह से मेंबर पे बैठ के बता दूं कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई और आप खड़े होकर तमाशा देख के मजे ले, हराम है। या तो उसकी मदद करो या उसके लिए दुआ करो, खड़े होकर तमाशा मत देखो, मजा मत लूटो। अगर तुम किसी का मजा लूटोगे तो तुम्हारा भी मजा लूटा जाएगा। आज वो मुसीबत में गिरफ्तार है, कल हम मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं। तमाशा देख रहे खड़े होके, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और फिर बाद में तबसरा करते, अरे इलीगल है। अरे भाई इलीगल ही सही, आप दुआ करो अल्लाह उसे लीगल मकान दे दे, दुआ करो ना। पर यहां खड़े होके तमाशा देख रहे हो, तबसरा कर, और तू बड़ा लीगल है, तेरी भी दुम उठाएंगे तो लाली दिखेगी। भैया तू कम नहीं है, नाक की सीट पर तू भी कब्जा करने वाला है, नाक की सीट पर जो है सब आवारा है। हराम और हलाल की तमीज है? कभी पूछा कि ये हलाल भी है कि हराम? एक दुकान है, दुकान के सामने लारी, लारी के आगे एक लारी, उसके आगे एक रक्षा, ये जायज है? रास्ता ब्लॉक करके रखा है आपने। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली में तशरीफ ले जा रहे थे, देखा एक सहाबी किसी आदमी के साथ बीच रोड पे, बीच सड़क पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल घूम के चले तो आए, मगर जब सहाबी मस्जिद में नबी के पास आए, नबी ने चेहरा फेर लिया।
वो कुछ कहना चाहते थे, नबी ने उनकी तरफ रुख ही नहीं किया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह नाराजगी की वजह क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, बीच रस्ते पे खड़े होकर बातें करते हो और उसके बाद आने जाने वालों को तकलीफ नहीं होती, खाली खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यहां तो बांसड़ा गाड़ दिया, बंद है, खाना खिला रहे रोड पे बिठा के। क्यों भाई? हमारे यहां शादी है, तेरे वहां शादी है, पर जो आ रहे जा रहे हैं उनके वहां शादी नहीं है, तुम्हारी वजह से रास्ता घूम गया, पूरा घूम गया। ये जायज है? ये इस्लाम है? अच्छा, और मजे की बात यह कि दुकान, ये मेरी दुकान है, दुकान के आगे लारी खड़ी है, लारी का मैं हक बात बोलूंगा, कड़वी लगे या अच्छी, बाहर खड़ी है, कहां खड़ा है लारी लेके? सड़क पे, वो तुम्हारी जगह नहीं है, भाड़ा तुम ले रहे हो। अबे जब अपनी मिल्कियत नहीं है तो भाड़ा जायज कैसे हो गया? हराम है। दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की मिल्कियत पे भाड़ा खा रहे हो और सीना ठोक के बोलते हो कि हम मुसलमान हैं। शर्म कर, इस्लाम को शर्मिंदा करता है। तूने खरीदा है, तेरी प्रॉपर्टी है जो तू भाड़ा ले रहा है, लारी सड़क पे खड़ी है, सड़क किसी के बाप की नहीं है। क्यों? मेरी दुकान के सामने खड़ा है, इसके लिए ले रहा हूं, मत खड़ा रहने दे। लेकिन भाड़ा लेने का हक नहीं है, खा रहे हैं। एक हराम का लकमा पूरी नस्लों को तबाह करता है जनाब। वो जगह हमारी नहीं तो हम भाड़ा कैसे ले रहे हैं? लेकिन ले रहे हैं लोग, और जायज समझ के ले रहे हैं। तकलीफ ये नहीं है कि हराम समझ के ले रहे हैं, जायज समझ के ले रहे हैं। और जब हराम को हलाल समझा जाता है, इसी का नाम तो यजीदियत है, इसी का नाम तो इस्लाम से गद्दारी है। खुदा रसूल के लिए अपने अमाल का मुहासबा करें, जहां तक हो सके अल्लाह रसूल की नाफरमानी से बाज आए और अपने दिल को मोड़ दें अल्लाह की तरफ, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में बसा लें। इसलिए कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाती है ना, फिर वहाँ हराम का गुजर नहीं होता, वहाँ नाजायज़ का गुजर नहीं होता, वहाँ गलत बातों का गुजर नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, जुड़ जाओ अल्लाह की मोहब्बत से। यार ये दुनिया की मोहब्बत तुम्हें रुसवा कर देती है, ये दुनिया की मोहब्बत हमें जलील कर देती है, ये दुनिया की मोहब्बत हमें रुसवाई के दरवाजे पर पहुंचा देती है। मगर खुदा की कसम, अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में बैठ जाती है, उसके मीनारे और उसके गुंबद आसमानों से बातें करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। बताइए ना, आप परेशान होते हैं तो आपको परेशानी से निजात देने वाला कौन है? अल्लाह। आप बीमार हैं, आपको शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। आप कर्जदार हैं, आपके कर्ज से निजात देने वाला कौन है? अल्लाह। तो जो अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है, उसने बगैर कुछ मांगे, बगैर कुछ बदला लिए, बगैर किसी मुआवजे के तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें अता कर दी हो, और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? हमारा उसके साथ बर्ताव क्या है? हमारा उसके साथ किस तरह का सलूक है? अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अल्लाह की तरफ रागिब हो जाएं, अल्लाह की तरफ पलट आएं, झुक जाओ उसकी बारगाह में। खुदा की कसम, जो झुकता है उसकी हिफाजत वो करता है, और जो उसकी बारगाह में अकड़ जाता है उसे वो जड़ से उखाड़ फेंकता है। अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज लुटाओ, और सब कुछ तुम्हारा जो कुछ है, कुछ नहीं है हमारा, जो कुछ है वो अल्लाह का है, अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह ही उसका मालिक है। और अल्लाह का, जब अल्लाह ही उसका मालिक है तो जाहिरी बात है हमारी दौलत का मालिक भी अल्लाह, हमारी सरवत का मालिक भी अल्लाह, हमारी जान का मालिक भी अल्लाह, हमारे माल का मालिक भी अल्लाह, हमारी औलाद का मालिक भी, सब का मालिक वो हकीकी है। वलिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल कहार, वही परवरदिगार है जो सारी मिल्कियत का मालिक है, वही शहंशाह है, वही बादशाह है। अल्लाह कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, वही मालिकुल मुल्क है, सारी बादशाहत का तन्हा मालिक है। वही जिसे चाहता है अपनी मिल्कियत में से कुछ दे देता है, और जिसे चाहता है मिल्कियत से छीन लेता है। अपने गुनाहों का मुहासबा करें, अपने अंदर झांक कर देखें। एक कांटा भी अगर मोमिन को चुभता है ना,
तो उसके बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है। अगर हम पे कोई विपता आती है तो उसके बदले में अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ करता है। मगर रुजू तो होना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में तौबा तो करनी चाहिए, उसकी कुदरत के आगे सरेंडर तो होना चाहिए, उसके आगे घुटने तो टेको। खुदा की कसम तारीख गवाह है कि जो झुका है हमेशा के लिए सर बुलंद हो गया है, हमेशा के लिए सर बुलंद हुआ। बस अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह का ख्याल करें, अल्लाह का लिहाज करें और उसकी मोहब्बत अपने दिल में जागृती करें। जितना हो सके उसी के बताए हुए रास्ते पर, उसके महबूब के बताए हुए रास्ते पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारें। खुदा की कसम एक मरतबा ताहिया और इरादा तो कर लीजिए। इतने साल आपने दुनियादारी में गुजार कर देख लिया, चंद साल दीन में गुजारने का इरादा करिए, फिर देखिए कैसा इनकलाब आता है, कैसा इनकलाब आता है, कैसी जौलानियत पैदा होती है, कैसा सुकून पैदा होता है, कैसा इत्मीनान पैदा होता है कि ऐसा आदमी जो अल्लाह की तरफ रागिब हो जाए, दुनिया में भी पुरसकून रहता है, आखिरत में भी पुरसकून होता है। दुनिया में भी वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है, आखिरत में भी अल्लाह की हिफाजत और सहनत में रहता है। परवरदिगार आलम हमें दोनों जहान की सआदतें नसीब फरमाए, बरकतें नसीब फरमाए, और जो नाजायज़ या हराम काम हमसे जाने अनजाने में हो चुके या हो रहे हैं, परवरदिगार आलम उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें सिराते मुस्तकीम पर गामजन रखे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता।